सो फ्रेंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसे कि आपको पता है HNBU गढ़वाल मेडिकल के सारे फॉर्म आ चुके हैं ऑनलाइन, JNM ANM के सब के, तो हम डिटेल में आपको उसके बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको गूगल पे जाके HNBU मेडिकल एंट्रेंस फॉर्म टाइप करना है, तो जो सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पे आएगा उस पे आपको क्लिक करना है लिंक पे। जैसे ही आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो राइट साइड पे आप देखिएगा ये सामने आपको, ये कुछ दिन पहले ये चीज़ नहीं हो रहा था क्योंकि फॉर्म जो है 26 तारीख से ही बोल दिया था कि ऑनलाइन आएंगे 26 अगस्त से, बट अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी एक दो दिन से ये चल रहा है। ओके आई थिंक 1 and day 4। तो जो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं UK स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आप एक अदर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर मेन डायरेक्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चार हेडिंग देखेंगे, होम, डाउनलोड्स, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन बोर्ड। तो सबसे पहले आपको जिस के लिए अप्लाई करना है ANM, JNM, BSc नर्सिंग पोस्ट और MSc नर्सिंग या फिर BSc या फिर पैरामेडिकल्स के लिए और EWS OBC के जो फॉर्म है वो उसके लिए आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आइएगा, तो फिर आपको ये कोई वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप जो है नोटिफिकेशन या फिर ब्राउज़र को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप BSc के लिए अप्लाई करो, MSc के लिए या फिर ANM और JNM के लिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड स्क्रीन पर जाना है, यहाँ पर हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे एक न्यू पेज पर हमको ये लेके जाएगा, जैसे न्यू पेज पे लेके जाएंगे ये डिक्लेरेशन आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड कितनी है, नेट की स्पीड स्लो होगी तो ये काम करना थोड़ा बंद कर देगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया इसको इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है, एक OTP आएगा जिससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। और जैसे ही आप इन हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। मोबाइल नंबर पे इंटर करिएगा, कैप्चा डालने के बाद जो OTP आएगा उसको, जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद जैसे आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लॉगिन का मतलब एक इसके अंदर चले जाएंगे, लॉगिन पेज आ जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके काम की होगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा नहीं तो आप फिर बाद में कॉमेंट मुझे पूछते हैं। ठीक है, तो मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वेबसाइट का एरर है। ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर जाने के बाद एक बार उसको लॉग आउट कर लीजिएगा, लॉग आउट होने के बाद दोबारा उसको लॉगिन करिएगा। जैसे ही दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो उससे आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हो सकता है आपके मोबाइल पर थोड़ा लेट से आए, ठीक है, लेट से क्योंकि लेट से आ रहा है, मैंने कम से कम मेरा पासवर्ड तो आधे घंटे बाद आया था। ठीक है, तो उसके बाद पासवर्ड नहीं आने के बाद मैंने रीसेट किया पासवर्ड, तो पासवर्ड आप जाके अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूँ मैं लॉगआउट होने के बाद, ठीक है, लॉगआउट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड में, यहाँ पर अगर आपका पासवर्ड भूल गया तो आप यहाँ फॉरगेट पर जाएंगे, अपना वहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इन हो जाएंगे। अब मैं इन होता हूँ फिर हमें आगे की बात करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे ही हम इन होते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा। बाकी आपको अगर नहीं आएगा तो आपको इनिशियल स्टेज में जाना है, 3 स्टेज हैं। सबसे पहले क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी लॉग इन करके रखा था तो ये वाली स्क्रीन आपके उसमें नहीं आएगी, ये बाद में आएगी, ठीक है, जब आप फॉर्म भर लेंगे। तो सबसे पहले 3 स्टेज हैं, ऑनलाइन प्रोसेस, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फिर फीस भरना और उसके बाद लास्ट में इसको प्रिंट आउट लेना। तो हम यहाँ से इसको काट देते हैं, उसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र पे। तो आप ये हमको इनिशियल होम स्क्रीन पर लेके जाएगा जहाँ से हमको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये हमारा मेन होम पेज है, उस होम पेज से पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी स्क्रीन पर लिखा है ग्रुप A 1, 2 and 3, यानी कि ए में आपको ANM, JNM, BSc नर्सिंग, BSc डिप्लोमा पैरामेडिकल, सेकेंड में आपको पोस्ट PSC नर्सिंग और थर्ड में ग्रुप थर्ड में MSc थर्ड नर्सिंग, ये है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको भर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, 100 times मैंने रिपीट कर लिया है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन या ब्रोशर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं ANM
के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद नीचे हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स की डिटेल और कैंडिडेट्स की जितने भी वो होंगे सारा कुछ इसमें भर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये फॉर्म अब आपके सामने आ गया, सारा डिटेल यानी कि ANM जो भी आपको कोर्स करना उस पर सेलेक्ट करके नीचे सबमिट करना। आप चाहें तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से उसी बैग पे आ सकते हैं। मैं मान लो अब मैं GNM पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आपको एक एक डिटेल मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो लाइक कर देना, कमेंट कर, सब्सक्राइब तो कर ही देना। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, ठीक है, फादर नेम, और जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे होगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद अपनी मदर का नाम, देन डेट ऑफ बर्थ ध्यान से दीजिएगा, DD MM और Y के फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको ये मेन चीज़ है, अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो यस, अदरवाइज अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हैं तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आपको अपनी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि अलर्ट, नॉन उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट विल बी कंसिडर एज जर्नल ओनली एंड यू विल बी नॉट एप्लीकेबल एनी सब कैटेगरी, यानी कि आपको कोई छूट उसमें नहीं दी जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। और आप उत्तराखंड से हैं तो आपको डोमिसाइल बनाना बहुत जरूरी है, हो सकता है ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे मांगे। ओके, उसके आगे आपको कैटेगरी है, आप जर्नल में हैं तो बाय डिफॉल्ट मैंने करके रखा है, तो वो इसलिए क्योंकि नो मैंने कर दिया है, तो अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो मुझे ये ऑप्शन मांगेगा कि मैं कौन से कैटेगरी में हूँ, जनरल, OBC, SC, ST एंड EWS, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। उसके आगे सेप कैटेगरी है, तो आप उसमें से जो भी हैं उसमें फिल कर सकते हैं। देन आपको इंडियन, और यहाँ पे आधार कार्ड ID प्रूफ के तौर पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग, वोटर, फोटो सर्टिफिकेट इशू, कोई भी आप भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका नंबर डालना है यानी आधार की ID, अगर या फिर कोई कार्ड के, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड, या ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना जो आपने ID अपलोड की थी, ID प्रूफ, उसी का यहाँ पे आपको ID अपलोड करना पड़ेगा जो आपने वहाँ पे ID दी है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो आप ये आसानी से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है, वहाँ पे हम ये आते हैं, यहाँ पे JNM है, हमने आपको देखना है ऊपर हमने किसके लिए अप्लाई किया है, JNM के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अपने मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स डील क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2, ठीक है, कितने मार्क्स आए, ऑब्टेन कितने पाए, जैसे मान लीजिए मैंने 450 पाए, कितने में से 500 में से, तो ये बाई डिफॉल्ट कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि इसी हिसाब से आपकी एंट्रेंस और मेरिट की वो बनेगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें पूछ रहा है कि आपने 10+2 में अंग्रेजी उत्तीर्ण की थी, यस या नो आप कर सकते हैं। पासिंग ईयर इसमें उत्तराखंड बोर्ड पासिंग ईयर इसमें अब मैं 2020 कर देता हूँ, या फिर इसमें यस कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप इसमें जो भी है आप इसमें भर सकते हैं, स्टेट विच यू बिलोंग टू, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि इसमें आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर चुनने, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, न्यू टिहरी, पिथौरागढ़, श्रीनगर, गोपेश्वर, हरिद्वार, रामनगर एंड रामखेत। तो एक मैंने चुन लिया, अगले वाले में मैं कोई और चुन लेता हूँ, और इसमें मैं दूसरा चुन लेता हूँ, देखता हूँ मैं सेम चुनता हूँ ऐसा होता है या नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने श्रीनगर चुना है, तो इसमें भी मैं श्रीनगर चुन लूँ। हाँ, ये भरने नहीं देगा, लास्ट में दिक्कत करेगा, तो आप अलग अलग सेंटर चुन सकते हैं जो आपके पास में ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो की साइज़ 50 KB होनी चाहिए, देन आपने सिग्नेचर 30 KB भर के इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करके क्लिक टू प्रोसीड टू नेक्स्ट में कर देना है, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर, यहां पर आपको अपने फीस जमा करनी होगी। एक बार आपने ऊपर ये फॉर्म भर लिया है तो इसको आप एक से एक नज़र ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पे एक्टिविटी में आएंगे तो आप देखिएगा, यहां पे हमने फॉर्म फिल जो है ऑलरेडी कर लिया है, तो इस पर आप मत क्लिक करेगा। देन आप इस पर आएंगे यूजर एक्टिविटी, देन में आपको फी पे करना पड़ेगा, स्टेप टू जो कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर आपको बताया। देन थी जब आपकी फीस पे हो जाएगी, देन आपको लास्ट में लेना है इसका प्रिंट आउट, और उसको अपने सिस्टम पे या
मोबाइल पे सेव करके रख देना है। और जल्दी जाओ, फॉर्म भरो, देर मत करो, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम इस समय उत्तराखंड में बहुत चल रही है। तो वीडियो यार आपने अंत तक देख ही लिया है, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल पर नया आया हो तो। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डीएम कर सकते हो। बाकी मैं बीएससी नर्सिंग और इससे रिलेटेड सॉल्व पेपर का वीडियो जल्द ही आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।